लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। नवलशाही थाना क्षेत्र के डगर नवा पंचायत के कानी केंद्र में घटवार घटवाल आदिवासी महासभा के द्वारा सामूहिक कर्मा पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास मंत्री बिहार श्रवण कुमार ने कर्मा पर्व की महत्ता से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यह पर्व झारखंड के आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है। बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मा आदिवासियों की धरोहर है, इसे भूले नहीं। शांतिपूर्ण वातावरण में कर्मा पर्व मनाने की लोगों से अपील की। कार्यक्रम में विभिन्न गांवों से आए नृत्य मंडलियों आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए। मंत्री ने मांदर बजा कर आनंद उठाया। इससे पूर्व अतिथियों का स्वागत पारंपरिक तरीकों से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रीतलाल सिंह ने की। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा सिंह, जिला सचिव दरोगी प्रसाद राय, पूर्व जिला अध्यक्ष घनश्याम सिंह, प्रखंड अध्यक्ष अरुण राय, मुखिया डगर नवा शोभा देवी, देविकी राय, प्रखंड सचिव राजेश राय, मुखिया प्रतिनिधि बीरेंद्र रॉय, उपाध्यक्ष उमा देवी, मेहलाल सिंह, सुरेश राय, विनोद राय समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। R9 भारत, सराजुद्दीन मरकच्चो की रिपोर्ट। कर्मा महोत्सव में आया है जी, जिसमें खटवार समाज ने अपनी समस्या भी रखी है, क्या कुछ ऐसा सुनते जा रहे हैं? निश्चित रूप से इनकी समस्या वाजिब है। इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वेशभूषा, खान पान, देवी देवता सब एक समान है। तो निश्चित रूप से अनुसूचित जनजाति में इनको सरकार को शामिल करना चाहिए, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, इनको शामिल करना चाहिए। और बहुत आज पुण्य दिन है, कर्मा पूजा है, प्राकृतिक की पूजा आज हो रही है। तो ऐसे समय में जब पूरी देश और दुनिया जलवायु परिवर्तन से परेशान है और यहाँ के घटवार आदिवासी समाज जब प्राकृतिक की पूजा करके पूरे देश और दुनिया में संदेश दे रहे हैं कि हमें प्राकृतिक से जो लाभ लेना है ले, लेकिन उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करें। प्राकृतिक के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करें, जन जंगल को, वन को, पहाड़ को नुकसान नहीं करें, जिससे आने वाले दिनों में जो चिंता हमारी है जलवायु परिवर्तन के वो रुक सके। इसके लिए आदिवासी समाज और घटवार समाज के सभी नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि प्राकृतिक पूजा करते हुए अपनी समस्या को रखा, अपनी मांग को रखा, तो सरकार को सुनना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। बिहार लेकिन दोनों जगह पे सियासी हलचल देखा जा रहा है लगातार, इसको क्या कुछ है? हलचल तो देश भर में है और हलचल और आगे होगी। ये देश आज देश का डिमांड है। देश के सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो भाजपा से इतर विचारधारा रखती है उस सब एक हो रही है। बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, ये जो सवाल है, ये सवाल पर पूरा देश गोलबंद होगा। और संविधान जो खतरे में है उसके बारे में भी पूरा देश आज चिंतित है। हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ भी छेड़छाड़ हो रहा है, ये बहुत हमारे लिए चिंता का विषय है। इसके लिए गोलबंदी होना देश भर में जरूरी है और उसके लिए हम सब लोग मिलकर के 2024 में इसका मुकाबला करेंगे, भाजपा को हटाएंगे और देश में महागठबंधन चलाएंगे। नीतीश जी के मंत्रिपरिषद में क्या लगता है, नीतीश जी अगले बार पीएम की फिगर होंगे? लेकिन नीतीश जी की कोई अपनी चाहत नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, लेकिन देश की जो मांग है, देश की जो डिमांड है, वो डिमांड है कि महागठबंधन की दिल्ली में सरकार होना चाहिए, भाजपा मुक्त देश होना चाहिए। और इस डिमांड को, इस डिमांड को लेकर के नीतीश कुमार जी सभी राजनीतिक दल के नेताओं से बात करेंगे और देश भर में घूम घूम करके भाजपा मुक्त हो इसके लिए काम करेंगे।